हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 50 डे ब्लॉगिंग चैलेंज के डे 11 में। और आज डे 11 में लोग कुछ और नए कीवर्ड फाइंड करने वाले हैं और आज के दिन में हम लोग इस डोमेन पे काम करेंगे। तो सिंपली इस डोमेन को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने सेमनेस टूल में आ जाते हैं और डोमेन नंबर में यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और सिंपली यहाँ पे वर्ल्ड वाइड करके सर्च कर लेंगे और जो इसके रैंक कर रहे होंगे कीवर्ड सारे शो कर देंगे। और देखिए यहाँ पे टोटल 70,000 ट्रैफिक है और यहाँ पे देखिए मेन ट्रैफिक यहाँ इंडिया का आ रहा है, 20,000 ट्रैफिक इंडिया से है और 12,000 फिलीपींस से है। इस तरह इसका ट्रैफिक आ रहा है। तो जो इसके मेन कीवर्ड है वो हम लोग देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कीवर्ड पे आ चुके हैं और व्यू डिटेल कर लेंगे यहाँ से और ये ओपन हो रहा है और ये ओपन हो चुका है। सारे कीवर्ड यहाँ पे शो कर देंगे, अभी व्यू लोड हो रहा है थोड़ा। और यहाँ पे देखिए सारे कीवर्ड आ चुके हैं, इनके ज़्यादातर कीवर्ड नंबर एक पे रैंक कर रहा है। देखिए पोजिशन नंबर एक पे, नंबर एक और नंबर 3, यहाँ पे इनकी इमेज भी रैंक करी नंबर 3 पे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ फिल्टर लगा लेते हैं, ट्रेडिंग का फिल्टर लगा लेते हैं पहले वेरी इजी का और देख लेते कौन से कीवर्ड इनके वेरी इजी पे रैंक कर रहे हैं। वेरी इजी पे इनके कीवर्ड रैंक कर रहे हैं लेकिन वॉल्यूम काफ़ी कम है, 170 का है। तो हम लोग इस पे काम नहीं करेंगे, अब थोड़ा इजी पे आते हैं। इजी में देख लेते हैं कौन से कीवर्ड इनके रैंक कर रहे हैं और इजी में इनके कुछ कीवर्ड आ चुके हैं। जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री थेसिस टॉपिक यहाँ इनकी पोजिशन नंबर 1 पे है और ट्रैफिक 12 का है और वॉल्यूम 90 का है। इनके जो कीवर्ड है जितना वॉल्यूम है सारा ट्रैफिक इन्हीं वेबसाइट लेके जा रही है। जितना वॉल्यूम इस कीवर्ड पे आ रहा है सारा ट्रैफिक यही वेबसाइट लेके जा रही है। यहाँ पे वॉल्यूम सेट कर लिया हमने 1,000 से 10,000 के बीच, तो इसके बीच जो भी कीवर्ड होंगे वो शो कर देंगे। तो बेसिकली इनकी वेबसाइट ट्यूटोरियल टाइप की है तो सेम एम सी हम लोग बना सकते हैं। तो इनके 2-3 कीवर्ड हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। जैसे पहला आप नंबर 1 पर जो आ रहा है इनका देखिए पोजिशन नंबर 6 पे है और गुड ग्रेड्स, तो इनको ओपन कर लेनी टाइप पे एक ही कीवर्ड हो गया। पर देखते कैसा है कीवर्ड, ये एक गुड ग्रेड्स कीवर्ड हो गया और नीचे कुछ अच्छा क्योंकि उसमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छा हो। और भी आते हैं और ऑनलाइन कोर्स सिंगापुर फीस, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये इनके पर्टिकुलर ब्लॉग है जो सार ट्रैफिक इन्हीं का ब्लॉग लेके जा रहा है। तो पहले इनका एक ब्लॉग हम लोग ओपन कर लेते हैं और आज के दिन का पहला कीवर्ड हम लोग का गुड ग्रेड्स का है। तो सिंपली इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और कीप नोट्स में आकर उसको पेस्ट कर लेंगे। हम लोग का डे 11 है। और पहला कीवर्ड हम लोग को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, पहलों का पहला कीवर्ड है। और उसके लिए एक ब्लॉग भी ओपन कर लेते हैं जो ट्रेंडिंग ब्लॉग चल रहे हैं। तो टॉप 2 वेबसाइट यहाँ से ओपन कर लेंगे, दोनों को न्यू टैब पे ओपन कर लेते हैं। दोनों में जो अच्छी होगी उसी पे हम लोग ब्लॉग राइट करेंगे उसके बिहाफ पे। यहाँ पे हम टॉप 2 ब्लॉग यहाँ से ओपन कर लेंगे और इसी के बिहाफ पे हम लोग अपना ब्लॉग राइट करेंगे। तो पहली वेबसाइट ये आ चुकी है और दूसरी देख लेते हैं कौन सी है। दूसरी ये आ रही है, दूसरी कुछ ऐसी है और पहली कुछ ऐसी है, कंटेंट है। और देखिए एकदम छोटा ब्लॉग ने राइट किया हुआ है, थोड़ा बड़ा ही ब्लॉग हमको राइट करना है। तो दूसरी वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे इनका देखिए फ्री ऑनलाइन इस पर भी आ चुका है, इनका भी छोटा ही ब्लॉग है। तो आप इन दोनों ब्लॉग का रेफरेंस ले सकते हैं और अपना खुद का ब्लॉग राइट कर सकते हैं इस कीवर्ड पर। तो सिंपली दोनों ही ब्लॉग को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ कीप नोट्स में आकर पेस्ट कर लेंगे। पहला है और दूसरा ये है, इस ब्लॉग को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर लेंगे। तो इस समय आज का पहला कीवर्ड फाइंड कर लिया है। इन दोनों ही वेबसाइट में कंटेंट कम है तो आप थोड़ा ओवरव्यू ले सकते हैं, बाकी आप कंटेंट क्रिएट करा सकते हैं चैट जीपीटी से। आपको मिनिमम 1,000 वर्ड का कंटेंट रखना ही रखना है जिससे कि आपका ब्लॉग रैंक करे। तो आप दोनों वेबसाइट का ओवरव्यू ले सकते हैं और चैट जीपीटी का यूज भी कर सकते हैं ब्लॉग राइट करने के लिए। तो आज का हमने पहला कीवर्ड फाइंड कर लिया है यहाँ से और दूसरे कीवर्ड हम लोग आते हैं और वापस हम लोग अपने सेमनेस टूल में आ चुके हैं और आज के दिन का दूसरा कीवर्ड फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो थोड़ा नीचे आते हैं और देखिए वॉल्यूम 700 का है और इनकी वेबसाइट नंबर 1 पर रैंक कर रही है और पूरा 400 का ट्रैफिक लेके जा रही है। और इनका कीवर्ड देखिए कॉलेज असाइनमेंट है, तो ये कीवर्ड हम लोग इस पर भी काम कर सकते हैं। तो सिंपली इसको न्यू टैब पे ओपन कर लेंगे और इनका जो ब्लॉग है उसको भी ओपन कर लेंगे। देखिए इनका कीवर्ड ओपन हो चुका है और यहाँ पे कॉलेज असाइनमेंट का कीवर्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है और टॉप 2 का जो ब्लॉग है उनको ओपन कर लेंगे यहाँ से। पहली वेबसाइट तो नहीं की रैंक कर रही है और दूसरी किसी और की है, तो उसको ओपन कर लेते हैं। बैकलिंक देखिए 36 बैकलिंक है, तो इस लिंक की वेबसाइट नंबर 1 पर आ रही है और उनका ब्लॉग रैंक भी कर रहा है। और दूसरी वेबसाइट जो आ रही है उसकी बैकलिंक 4 है, तो आपको ध्यान रखना है आपको बैकलिंक ज़्यादा रखने हैं तभी आपको ब्लॉग रैंक करेगा। और देखिए इनका ब्लॉग यहाँ पे ओपन हो चुका है और एकदम सिंपल ब्लॉग है और काफ़ी अच्छा ट्रैफिक लेके भी जा रही है और नंबर 1 पर इनका ब्लॉग रैंक कर रहा है। वेबसाइट एकदम सिंपल है लेकिन आपका कंटेंट काफ़ी अच्छा है तो आपका ब्लॉग नंबर 1 पर रैंक कर सकता है जैसे इनका ब्लॉग रैंक कर रहा है।
तो सिंपलीस ब्लॉग के यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कीवर्ड मार्क से यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और कीवर्ड को भी यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेंगे जल्दी से आके। और सिंपली आप लोग कीवर्ड को भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉलेज असाइनमेंट नाम का कीवर्ड है, और सिंपली यहाँ पे कीवर्ड को यहाँ पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह हम लोग डे 11 में यहाँ पे दो कीवर्ड फाइंड कर लिए, पहला कीवर्ड है गुड ग्रेड्स का और तीसरा है कॉलेज असाइनमेंट का। इन कीवर्ड्स पे वॉल्यूम कम है और ब्लॉग भी काफ़ी कम है, तो अगर आप इस कीवर्ड पे ब्लॉग राइट करेंगे तो आपके ब्लॉग में कुछ ना कुछ ट्रैफिक आ सकता है। सारे कीवर्ड इनके सेम है, जैसे इनका देखिए एक में 1K का वॉल्यूम है, तो इस पर भी आप काम कर सकते हैं। लॉ असाइनमेंट हेल्प तो बेसिक वेबसाइट ट्यूटोरियल के ऊपर है, अगर आप भी चाहें तो इस कैटेगरी के ऊपर अपने ब्लॉग राइट कर सकते हैं ट्यूटोरियल में और रैंक कर सकते हैं वेबसाइट को। पर डे 4 ब्लॉग राइट कर रहे हैं और हर ब्लॉग आपका 50 ट्रैफिक लेके जाता है, तो आपका मंथ का 50-60 हज़ार का वॉल्यूम आराम से इनके होगा और आपकी अर्निंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपका कुछ ना कुछ इससे इंगेजमेंट बढ़ेगा आपकी वेबसाइट पे और आपकी वेबसाइट का DAPA बढ़ेगा। इन थोड़े थोड़े वॉल्यूम से आपका ये होगा कि आपकी वेबसाइट का DAPA बढ़ जाएगा, जिससे आप आगे चल के हाई डिफिकल्टी वाले कीवर्ड पे भी अपना ब्लॉग राइट कर सकते हैं और उसको रैंक कर सकते हैं। तो फिलहाल आज डे 11 को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल डे 12 में कुछ और नए डोमेन के साथ और कुछ और नए कीवर्ड के साथ। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल डे 12 में।